ढोल ये ताशे और ये तड़तड़ाहट भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई में उनके स्वागत के लिए देखिए किस तरह का माहौल है। चारों तरफ जो है लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और ये बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और पूरे जोश जुनून यहाँ पर दिखाई दे रहा है तमाम लोगों के अंदर और जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बड़ी यात्रा को अब राहुल गांधी ने खत्म किया है या यूं कहें कि संपन्न किया है और झंडा फहराकर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह से लोग जो है यहां पर पहुंचे। आप लोग कहां से हैं? हम बोरीवली से। बोरीवली मुंबई से ही हैं? हाँ, मुंबई से। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी की यात्रा आज यहाँ पहुँची है इतने लंबे सफर को तय करके? हम 7000 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं हमारे राहुल जी और यहाँ हमारी वर्षा ताई गायकवाड़ के नेतृत्व में हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा ये बहुत सफल होने वाली है। हम उनका इंतजार ही कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में कितना फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क दिखेगा। जो महंगाई बना के रखी हुई है मोदी सरकार ने, वो लेडीज लोगों को बहुत भारी पड़ रही है और सब जगह बहुत महंगाई हो रही है। बहुत फर्क दिखाई देगा लोगों से। आप लोगों का बहुत परिवर्तन आ गया है और ये इलेक्शन में आप इसके परिवर्तन देखेंगे जरूर। चुनाव की भी घोषणा हो गई है, लगता नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये मोदी कहते हैं तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। सरकार तो हमारे राहुल गांधी जी की बनेगी। जय कांग्रेस। यात्रा का कितना प्रभाव दिखाई देगा? 24 के चुनाव में जनता जान चुकी है कि ये जो सरकार है ये जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी सरकार है। 15 लाख आपके बैंक अकाउंट में आए क्या? नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जनता को अब पता है कि बदलाव की ज़रूरत है और इस बदलाव में न्याय यात्रा का अहम मुद्दा, लोगों का मुद्दा है, इसलिए ये परिवर्तन होना ही चाहिए और होने वाला है। देखो आगे राहुल गांधी जिंदा। राहुल गांधी आ गए हैं और तमाम जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए राहुल गांधी यहाँ पहुँच चुके हैं और पटाखों के साथ और तमाम तरीके से स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी का। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है उनके स्वागत के लिए। मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ आप देखेंगे कि तमाम लोग जो है वो सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनका स्वागत करने के लिए और राहुल गांधी का तमाम लोग जो है वो स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आने वाले चुनाव में इसका सबको जवाब मिलने वाला है कि कितना बड़ा पैमाने पर फर्क होने वाला है। राहुल जी गरीब जनता के साथ है, जनता के सवालों के साथ है, महिलाओं के साथ है, महिलाओं के सवालों के साथ है, नारी न्याय के साथ में है। राहुल गांधी के लिए हम सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। सुबह चुनाव में कितना असर होगा? 100%, 110%, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि जरूर ये चुनाव में राहुल गांधी जी बड़े ही मतों से, भारी मतों से केंद्र में बैठेंगे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी। मोदी जी कहते हैं मेरा परिवार है 140 करोड़ का जो तीसरे टर्म में सरकार, इसीलिए हम बनाएंगे, क्या लगता है? मोदी जी का परिवार अडानी और अंबानी है और वो व्यापारी है जिनको वो लाभ पहुँचाते हैं। मोदी का परिवार गरीब जनता नहीं है। तो मोदी के परिवार के लिए वो मोदी जी जो कह रहे हैं उनकी कथनी में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी का परिवार अडानी और अंबानी है, वो व्यापारी हैं जिनको वो सीधा लाभ पहुंचाते हैं। गरीब जनता नहीं है, ना गरीब जनता के सवाल है, ना गरीबों की बेरोजगारी के सवाल है उनके पास, ना इनकी भुखमरी के सवाल है उनके पास में। तो हम मोदी जी को नहीं जानते। मोदी हमारा परिवार नहीं है, हमारा परिवार जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। अच्छा ये बताइए कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने कहा है संसद भवन में खड़े होकर कि तीसरी बार जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं बड़े बड़े फैसले लूंगा, मोदी जी ने कहा। मैं एक सवाल आपसे, आज सिर्फ छोटा सा सवाल है, एक महिला होते हुए संसद की बात आपने की है, संसद में सबसे पहला सवाल उन्होंने एक नारी को जो हमारी संसद में उन्होंने हमारी राष्ट्रपति जो महिला है क्या पहला सम्मान उनको दिया? वो संसद की बात को तो भूल जाएं, वो नारी सम्मान की बात करें जिस महिला को, जो राष्ट्रपति जिनको पद पे स्थापित किया। सिर्फ आप एक है ना, कहते हैं ना कि हम एक नमूना बना रहे हैं, नमूना अलग है और कथनी और करनी में जैसा कि मैंने कहा बहुत फर्क है।